लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा, राज्य में भले ही नई सरकार आ गई लेकिन गरीबों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के साथ साथ दलितों, पिछड़ों के जीवन में कोई भी बेहतरी नहीं आई है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने 10 गुना ज्यादा ताकत से लड़ने की जताई प्रतिबद्धता। कहा कि मैं गरीबों और किसानों के साथ हूं। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ की यात्रा के दौरान गिरने लगे पत्थर श्रद्धालुओं के लिए ढाल बनकर खड़े हुए आईटीबीपी के जवान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पाकिस्तान के सिंधु नदी में नाव के पलटने से हुई 4 बच्चों की मौत, कई अन्य हुए लापता। नाव में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाने से हुआ हादसा। चीन में मौत बनकर आया शक्तिशाली बवंडर, 6 लोगों की गई जाने, 200 लोग हुए घायल। लखनऊ के नगर निगम ने हाउस टैक्स न जमा करने वाले बड़े बकायेदारों से वसूली का नायाब तरीका ढूंढा। बैंड बजाकर टैक्स वसूल रहा लखनऊ नगर निगम, 3 दिन में वसूले 21 लाख रुपए। अकाली दल के विधायक ने बीजेपी कार्यालय और आसपास के इलाकों में सीएम केजरीवाल का लगाया पोस्टर, बताया सबसे बड़ा लुटेरा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। काफी दिनों से एक युवक के कान में हो रही थी खुजली, डॉक्टरों ने इलाज कर युवक के कान से निकाली जिंदा छिपकली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, पत्र लिखकर की वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मांग। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के विधायक बेटे नितेश नारायण राणे ने एक इंजीनियर पर फेंकवाया कीचड़, पूरा मामला सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।